नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। बरोज रविवार 12 में दिन के 1 बजे मछुआ फल मंडी में जमातुल रायन की जानिब से 18 जोड़ों की निकाह का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर कोलकाता के मशहूर और मारूफ सामाजिक और सियासी शख्सियतों ने शिरकत की और 18 जोड़ों को दुआओं से नवाजा। इस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट मौजूद थे नॉर्थ कोलकाता से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के MMIC अमीरुद्दीन बॉबी साहब, इमाम दायन कारी फजलुर रहमान साहब और दीगर हजरात। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने में जिनकी बड़ी मेहनत रही वो थे जनाब सोहराब अली साहब, प्रेसिडेंट जमातुल रायन, जनाब मोहम्मद शकील साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडियन जमातुल रायन, जनाब बिलाल अहमद साहब, सेक्रेटरी जमातुल रायन और जमातुल रायन की पूरी टीम। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर का, आगे वीडियो में देखिए पूरी रिपोर्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मछुआ फल मंडी से, जहाँ के मैं बताता चलूँ वाकई एक तारीख कायम किया गया है मछुआ फल मंडी में। 11-12 दो दिन जो है पूरे स्टेट के साथ 18 जोड़ों की शादी आज जो है कि मुकम्मल हुई है और वाकई ये एक पैगाम देता है पूरे हिंदुस्तान को कि जहाँ ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं जो कि जिनके लिए ज़रूरत है इस वक्त के समाज आगे आए और इस तरह के काम को अंजाम दे। मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन हजरात को तौफीक दे कि बराबर इस तरह के प्रोग्राम को करते रहे। क्या पैगाम देंगे हजरत यहाँ से लोगों को? लोगों को पैगाम यही है कि मुसलमान बच्चियों की शादी का बंदोबस्त करें। जो हजारों हजार लड़कियाँ बगैर शादी के बैठी हुई हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, गुर्बत के मारे उनका निकाह नहीं हो रहा है, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, लड़के जहेज तलब कर रहे हैं, तो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुसलमानों की तौफीक दे, इत्तेफाई निकाह का इंतजाम करें और वो बच्चियाँ जो अब तक बैठी हुई हैं जिनकी उम्र गुजर रही है, अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक दे कि उनके निकाह का वो बंदोबस्त करें। आज के दौर में जिस तरह से इस अदारे ने काम किया है, बहुत सारे माले हैसियत वाले लोग आज भी हैं, अगर अपने इलाके में ये काम करना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा ज़रा बताएं जी? उससे ये होगा कि उन तमाम बच्चियों के हाथ पीले हो जाएंगे कि जिनकी ज़िंदगी
जिंदगी रोते रोते गुजर रही है और उनके माँ बाप की जिंदगी भी रोते रोते गुजर रही है। उसकी दुआएं उनको मिलेंगी अगर वो ये काम करते हैं। शादियों में जो हमारे यहाँ फजूल खर्चियाँ होती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं और हजारों हजार मेहमान को मधु करके खर्च किया जाता है, तो इससे बचते हुए ये सब काम करने की जरूरत है। सर, कुछ लड़कियों की शादी इसलिए नहीं हो पाती है कि लोग दहेज का मुतालबा करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत ही नाजायज बात है। दहेज का मुतालबा करना बिल्कुल गलत है, इस्लाम में हराम है और की वजह से अगर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है उनको कयामत में पकड़े जाएंगे और दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों जगह गरीब लोग। बहुत शुक्रिया। आज एक तारीखी सास प्रोग्राम मछुआ फल मंडी में जमदर लाइन ब्रदर्स की तरफ से, जहां से मुल्क के मुख्तलिफ जिला से भी आए, शकील साहब भी आए जो सेक्रेटरी आपके लाइन ब्रदर्स के, क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, हम लोग बहुत ही खुश हैं, आप तो शकल से अंदाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे इस प्रोग्राम के हम लोगों को इस प्रोग्राम को कामयाब किया है और जो भी काम नेक नियति से और दिल से होता है उसमें अल्लाह का मदद होता है और अल्लाह का मदद था इतना बड़ा काम को अंजाम हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दे दिए। अल्लाह ताला सब भाइयों को हम लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर तरीके से हम लोग को महफूज रखे। एक पैगाम जो जा रहा है सिर्फ बंगाल में नहीं, रियासत पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम जा रहा है जहाँ ज़रूरतमंद बच्चियों के लिए वाकई इस तरह से कदम उठाने की ज़रूरत है, तो सदर साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, पैगाम मैंने आप मीडियम के जानिब से देना चाह रहे हैं कि हर वार्ड में इस तरीके का प्रोग्राम होता रहे ताकि इस दौर में जैसे हालात हैं लोग अपनी बच्चियों को शादी देने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए समाज के जितने भी जिम्मेवार शख्स हैं उनको सामने आना चाहिए और ऐसा नहीं है, आप आगे आइए, देखिए अल्लाह का मदद आपके साथ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम में इस दायरे का कोई पैसा नहीं लगना है, ये सब लोगों के ताउन से इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और भी लोग दिल खोल के ताउन करने के लिए तैयार, बशर्ते प्रोग्राम देखते हैं लोग और चढ़ बढ़ के खुद हिस्सा लेते हैं। सदर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये पहली बार देखा गया तारीखी सास प्रोग्राम जो कि 11-12 दो दिन पूरी तरह से मछुआ फल मंडी बंद रहा है जो कि तजारत का मरकज है और सभी लोगों ने दिन रात 24 घंटा इस काम इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनत की है, तो क्या कहना चाहेंगे सदर साहब? एक इतना बड़ा इवेंट्स, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा मामला यूँ ही नहीं हो जाता है और इतने खूबसूरती से, यहाँ लोग तो एक दो बच्चियों की शादी को करने के लिए कितना परेशान होते हैं, यहाँ हम तमाम लोगों के ताउन से ये 18 बच्चियों की शादी हो गई या बहुत सादगी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ, जो एक ये मिसाल है आप देख लीजिए और उम्मीद करते हैं इससे और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह रहमान हम लोगों का प्रोग्राम आगे भी चलता रहे। आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? आगे वाले दिनों में देखिए, हम लोग का अभी कमेटी बैठेगी अब 1-1 हफ्ता के अंदर, उसके बाद आगे का लायामल तैयार करेंगे और ये मास मैरिज का प्रोग्राम हम लोगों का ये सालाना प्रोग्राम इंशाल्लाह रहमान रहेगा। सिगरेट साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले फिर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ये तमाम लोगों की ताउन से सुराब भाई की लीडरशिप में 18 लड़की जोड़ों की शादी हुई जमतुर्रैन वेस्ट बंगाल में, ये एक हिस्ट्री है अपने में और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए लखनऊ से लोग आए, हमारे दिल्ली से लोग आए, बिहार से लोग आए, कानपुर से लोग आए और मेरे कुछ अपने जो रिश्तेदार हैं जो अब्रॉड में रहते हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज करके फ़ोन करके शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि सुराब मामा या अंकल को शुक्रिया करिए, पूरे टीम को शुक्रिया करिए, आप लोगों ने जो काम को अंजाम दिया है ये बहुत बड़ी काम है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके कारोबार में बरकत दे और ये काम सिर्फ राइन बिरादरी का नहीं है। सुराब साहब, सदर साहब अक्सर कहते हैं कि हम लोगों को पूरे कौम को लेकर चलना है, हर बिरादरी का, वो कोई भी है, पूरे इंसानियत के लिए काम करना है। अगर इंसानियत के लिए काम होगा तो पूरा अपना स्टेट, अपना कंट्री ये मजबूत होगा, क्योंकि जब हवा चलती है, रोशनी आती है तो वो किसी ज़ात बिरादरी को देख कर नहीं हवा धूप लगती है बल्कि वो पूरे आलम इंसानियत हर किसी को लगती है। तो हम ये भी यही चाहेंगे, ये हमारी जमीयत भी यही चाहती है कि जो काम हो वो इंसानियत का काम हो और तमाम लोगों के लिए काम हो। यही बात कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं।